आउटसाइड व्यू में आप सबका स्वागत है। आज का पहला मैच खेला गया इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच। दोनों ही टीम्स का आज ये आखिरी लीग मैच था। इंग्लैंड के लिए ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर उन्हें अपनी जगह टॉप फोर में तय करनी हो तो बांग्लादेश के ऊपर आज अपना दबदबा दिखाना इंग्लैंड के लिए जरूरी था, और कुछ ऐसा ही हुआ। टॉस जीतकर कप्तान हेदर नाइट ने सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जहांगीर आलम ने अच्छी बोलिंग करते हुए प्रेशर बिल्डअप किया और उन्हें डैनी वायट का विकेट वहां पे मिला। उसके बाद सलमा खातून ने हेदर नाइट को भी पेविलियन की ओर जल्द ही भेज दिया। हेदर नाइट के विकेट के साथ सलमा खातून ने 51 डे इंटरनेशनल विकेट्स भी कंप्लीट किए। उसके बाद टैमी बोमेंट और नैट सिवर ने धीरे ही सही पर टीम की जिम्मेदारी संभालते हुए इनिंग्स को आगे ले गए। दोनों ने ही एक अच्छी पारी खेली, पर जैसे ही दोनों पेविलियन की ओर लौटे उसके बाद एमी जोन्स और सोफिया डंकली ने एक अच्छी साझेदारी निभाई। सोफिया डंकली ने 67 रन्स की एक बेहतरीन पारी खेली। उनके इस पारी के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इसके चलते इंग्लैंड ने 235 का टारगेट बांग्लादेश के लिए रख दिया। जाहिर सी बात थी कि ये चेज बांग्लादेश के बैटर्स के लिए इजी नहीं होने वाला था। बांग्लादेश के ओपनर्स ने टीम को एक अच्छी पर धीरी शुरुआत दी। काफ़ी डॉट बॉल्स खेले गए, जिसके चलते प्रेशर बिल्डअप हुआ। इंग्लैंड के लिए चार्ली डीन और सोफिया एकल्स्टन ने बॉल के साथ एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। सोफिया एकल्स्टन ने मैच में 3 विकेट चटकाए और चार्ली डीन ने भी मैच में आज 3 विकेट चटकाए। एक स्पिन हैवी डे आज जरूर था। फ्रेया डेविस, जो उन्होंने अन्य श्रॉपसोल को आज के मैच में रिप्लेस किया था, उन्होंने भी इस मैच में आज 2 विकेट चटकाए। एक बेहतरीन बॉलिंग के प्रदर्शन के चलते इंग्लैंड ने ये मैच 100 रनों से जीत लिया। ये मैच बड़े मार्जिन से जीतना इंग्लैंड के लिए जरूरी था, नेट रन रेट को ध्यान में रखते हुए, और टॉप फोर में इंग्लैंड ने अपनी जगह जरूर बना ली। बांग्लादेश के लिए भी लता मंडल ने 40 रनों की एक पारी खेली, पर वो टीम को फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा पाए। बैटिंग यूनिट का वहां पे कोलैप्स हुआ, जिसके चलते इंग्लैंड ये मैच जीत गई। ये थी जानकारी इंग्लैंड और बांग्लादेश के मैच के बारे में। विमेंस क्रिकेट से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए विमेंस क्रिकेट जोन के साथ।